तो चलिए आज हाजिर हो गए हैं हम फिर से एक फिल्म का रिव्यू लेकर। फिल्म का नाम है लल्लू की लैला। जी हाँ, जैसा कि फिल्म का नाम है ठीक उसी तरह फिल्म भी है। फिल्म अपने आप में ही पूरी तरह से एक्शन पैक्ड है, कॉमेडी है। जिस तरह की फिल्म भोजपुरिया दर्शक देखना चाहते हैं बिल्कुल उसी तरह से, और अश्लीलता से कोसों दूर। तो चलिए फिल्म के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं लेकर हरी का नाम। इस साल की दिनेश लाल यादव निरहुआ की ये दूसरी रिलीज है, और आपको बता दे कि यह फिल्म भी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। हाँ, फिल्म में आपको दिनेश लाल यादव निरहुआ का जो कॉमिक अवतार मिलेगा, आपको रह रहकर निरहुआ हिंदुस्तानी की याद दिलाता रहेगा। लेकिन ये फिल्म उस फिल्म से कोसों दूर है। आपको बता दे कि फिल्म में अपनी प्रेमिका आम्रपाली को रिझाने के लिए, जिससे कि उनकी ऑलरेडी शादी फिक्स्ड हो चुकी है, काफी जुगाड़ करते हैं। लेकिन आम्रपाली है कि वो जिद पर अड़ी है कि ऐसे गवार और लल्लू आदमी से वो शादी नहीं करेंगी। ऐसे में लल्लू गांव से शहर चला आता है, और आम्रपाली को सबक सिखाने के लिए वह फिल्म की दूसरी हीरोइन के करीब जाता है। और ऐसे में उस दूसरी हीरोइन, जिसका किरदार यामिनी सिंह प्ले कर रही है, उसे निरहुआ से प्यार हो जाता है। और अब इस फिल्म में जैसे कि लव ट्रायंगल स्टार्ट होने वाला होता ही है, वैसे ही शुरू हो जाता है मर्डर मिस्ट्री का गेम। जी हाँ, एक खून हो जाता है जिसका इल्जाम लगता है निरहुआ के ऊपर, और अब निरहुआ और आम्रपाली जुट जाते हैं निरहुआ को बेकसूर साबित करने में। और इसी बीच आम्रपाली को निरहुआ से हो जाता है प्यार। बीच बीच में जो गाने आते हैं वो सीन्स के मुताबिक ही लगते हैं। वैसे सुशील उपाध्याय के डायरेक्शन में आपको कहीं बोरियत महसूस नहीं होगी। साथ ही रत्नाकर कुमार इसके प्रोड्यूसर हैं। रत्नाकर कुमार की फिल्में जानी जाती हैं उनके लार्ज स्केल के लिए, तो इस फिल्म में भी आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो ज्यादातर भोजपुरिया दर्शक चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दे कि फिल्म में प्रकाश जैस, सुशील सिंह, रीना रानी, संजय पांडे जैसे कई मजे हुए अभिनेता हैं, जिनकी एक्टिंग आपको फिल्म को अंत तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। हाँ, फिल्म का अंत भी काफी रोचक है, लेकिन उसके लिए आपको सिनेमा थिएटर जाना पड़ेगा। हम आपको ये बता दें कि 12 तारीख को यह फिल्म मुंबई में रिलीज हुई है, 13 तारीख को यह फिल्म बिहार, झारखंड, यूपी, नेपाल जैसे कई राज्यों और देशों में रिलीज होगी। और यहाँ आपको एक चीज की अपील जरूर करना चाहेंगे, अब तक भोजपुरी फिल्मों को ज्यादातर पुरुष वर्ग ही देखता आ रहा है, लेकिन अब भोजपुरी में ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसे थिएटर में बैठ के महिलाएं भी एंजॉय कर सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है, तो यहाँ पर महिलाओं से अपील है कि यह फिल्म देखने जरूर जाएं और भोजपुरी के गौरव को फिर से लौटाएं। और जाते जाते अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इस फिल्म को हमने अपनी तरफ से कितना स्टार दिया। इस फिल्म को ओवरऑल देखते हुए इस फिल्म को 3.5 स्टार दिया जा रहा है 5 में से। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।